सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आप शॉक में जाओगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी नया आया अभी, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये फैक्ट साउंड से रिलेटेड है और ये आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। अगर हम लोग 11,000 dB इतना साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम लोग एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हैं और अल्टीमेटली ये एक पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये काफ़ी गजब का फैक्ट है। मतलब कि 11,000 decibel साउंड में इतनी एनर्जी है कि वो एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। सो गाइस, ये काफ़ी बड़ी बात है। सो गाइस, तो ये फैक्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप सुन के शौक में जाओगे कि जेलीफिश के साथ साथ लॉबस्टर भी एक ऐसा प्राणी है जो कि बायोलॉजिकली इमॉर्टल है। मतलब उसकी कोई एज नहीं होती लेकिन उसको किल किया जा सकता है। मतलब कि एक लॉबस्टर लाखों सालों तक जिंदा रह सकता है और जेलीफिश भी ऐसा कर सकती है। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि हर किसी की एक लाइफ स्पैन होती है कि वो इतने सालों बाद मर जाएगा या इतने सालों बाद वो मर जाएगा, लेकिन इनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं होती। इनको कोई दूसरा एनिमल ही किल करेगा तभी ये मर सकते हैं। इट्स ऑसम। सो गाइस, तो आप जो अभी पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक फेमस गायिका है बॉलीवुड की जिनका नाम है पलक मुच्छल, और इन्होंने अब तक 1,000 से भी ज़्यादा बच्चों का दिल का ऑपरेशन करवा चुकी है। इसीलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और इसके अलावा इनका खुद का NGO है जो कि दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों की मदद करता है और इसका इलाज का खर्चा भी उन्हीं का ही होता है। सैल्यूट है इनको गाइस। सो गाइस, तो अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हो दो आइस की फोटो, एक है टैप वाटर और दूसरा है वॉइल्ड वाटर। तो आप सोचोगे इसमें फैक्ट क्या है, लेकिन नहीं, आप टैप वाटर को ध्यान से देखो कि पूरी परत उसकी सफ़ेद सफ़ेद हो रखी है और हम उसके आर पार नहीं देख सकते, और वॉइल्ड वाटर में हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। और इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो है प्योरिटी का, मतलब कि सफाई का। आप टैप वाटर को देखो कितना गंदा और वॉइल्ड वाटर को देखो कितनी सफाई है। तो गाइस, तो यही डिफरेंस है टैप वाटर और बॉइल्ड वाटर की आइस का। अब गाइस, आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि 1858 में इंडिया की क्या कैपिटल रही है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। तो गाइस, अगर जिसको पता है वो अभी के अभी कमेंट्स में बताए, और जिसको नहीं पता तो गाइस, तो आंसर ये है कि एक दिन के लिए 1858 में इंडिया की कैपिटल इलाहाबाद बनी थी। मतलब कि सिर्फ एक दिन के लिए इलाहाबाद कैपिटल थी इंडिया की। सो गाइस, स्क्रीन पे जो आप बर्ड देख रहे हो, ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बर्ड है और इसका नाम है पेरेग्रिन फैल्कन। और ये अगर अपनी मैक्सिमम स्पीड से फ्लाई करे तो आप इसे देख भी नहीं पाओगे। इसकी स्पीड है लगभग 389 किलोमीटर पर आवर। ये एक राजधानी से तो 2 गुना ज्यादा तेज उड़ता है। मतलब कि अगर आप छत पे खड़े और आप इस बाज को देख रहे हो तो आपको पता भी नहीं चला कि आपके कब सर से ऊपर निकल गया है, इसकी स्पीड इतनी तेज है। सो गाइस, ये क्रिकेट के ऊपर एक फैक्ट है, ये वाला क्रिकेट नहीं, कीड़े वाला क्रिकेट, कि जो उनके कान है वो उनके सामने के 2 पैर में होते हैं। मतलब क्या, मतलब कि उनके जो कान होते हैं वो उनके पैरों में होते हैं। यार, नेचर भी कितनी अजीब अजीब चीज़ें बनाती है। सो यार, इस फैक्ट के लिए तो एक लाइक बनता है, प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। सो गाइस, अगर आपको दिन में भी तारे देखने हैं, मतलब मार खा के नहीं, अगर दिन में भी तारे देखने हैं तो आप ऐसा प्लूटो में कर सकते हो क्योंकि प्लूटो में जो स्काई है वो डायरेक्ट स्पेस से ही जुड़ा हुआ है। सो गाइस, ये फैक्ट भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये टाइम ट्रैवल और रियलिटी दोनों से जुड़ा है। सो गाइस, अगर आप टाइम ट्रैवलिंग करके अपने ही पास को कोई सामान देते हो, आपको वो सामान मिल तो जाएगा पास में क्योंकि आपका फ्यूचर ही आपके पास को सामान दे रहा है, लेकिन तब उस सामान का कोई ओरिजिन नहीं होगा, मतलब कि उस सामान की कोई पहचान नहीं होगी। लेकिन वो सामान एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, पास्ट में नहीं। और ऐसा ही करके आप पास्ट में रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्या आपको ये पता है कि जिस मून का अपना मून होता है उसको क्या कहेंगे? तो हम उसको कहेंगे मून्स मून्स। मून्स कैन हैव मून्स एंड दे आर कॉल्ड मून मून्स। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।